नमस्कार दोस्तों, आप सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है, तो आइए इसको पूरे विस्तार से देखते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। आपको स्क्रीन पर वो पत्र दिख रहा होगा जिस पत्र के माध्यम से जो है कि इसकी जानकारी दी गई ICDS विभाग के द्वारा। यहीं आपको नीचे दिनांक दिख रहा है कि 2/5/2022 यानी 2 मई 2022 को ए लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। प्रेषक निदेशक ICDS सेवा में जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण, यानी ये जो है कि जिला अधिकारी को ये जो है कि लेटर जारी करके पश्चिमी चंपारण के जिला अधिकारी को लेटर जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। आइए इसको विषय को देखते हैं। विषय में क्या कहा गया है कि यहीं आपको दिख रहा होगा कि शंभू पांडे लिपिक सह टंकक बाल विकास परियोजना कार्यालय बगहा एक पश्चिमी चंपारण के विरुद्ध निगरानी थाना कांड दिनांक 9/3/2022 दर्ज किए जाने के संबंध में। यानी हम आपको बता दें कि ये लिपिक सह टंकक ये थे जिनको जो है कि ये घूस लेते हुए पकड़े गए थे। इनको जो है कि अब इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में इस लेटर को जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। तो आइए इसको देखते हैं ये क्या कहा गया है। जैसा कि यहीं आपको दिख रहा होगा कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा श्री शंभू पांडे लिपिक सह टंकक बाल विकास परियोजना कार्यालय बगहा एक पश्चिमी चंपारण के विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या ये दिया गया है दिनांक 9/3/2022 निदेशालय को प्राप्त हुआ, जिसमें धारा 7A भारतीय दंड संहिता के द्वारा 1988 संशोधित 2018 के तहत दर्ज किए जाने का उल्लेख करते हुए कार्रवाई करने एवं कृत्य कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। तो हम आपको बता दें कि इनके द्वारा जो है कि घूस लेते हुए जो है कि पकड़े गए थे, जिन पे अब कार्रवाई करने को लेकर जो है कि लेटर जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि इन पे इनकी उचित कार्रवाई की जाए और जो है कि इसको अवगत कराया जाए। तो ये विभाग द्वारा जो है कि पत्र जारी करके इसकी जानकारी दी गई है। ये जो है कि लिपिक थे जो घूस लेते हुए पकड़े गए थे, अब इन पे कार्रवाई करने के लिए लेटर जारी करके ICDS विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर निकल कर आ रही थी जो हम आपको पूरे विस्तार से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अन्य बहनों तक भी ये खबर पहुँच सके। आगे भी इस तरह के खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।